होगी, ठीक है। अगला क्या आता है, नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। मैंने इस वाले ट्राइंगल के बाहर एक एंगल बनाया है, इस वाली साइड को प्रोड्यूस कर दिया ऐसे, और बाहर ये एक एंगल बनाया एक्स, ठीक है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये अंदर वाला एंगल सी है। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो बाहर वाला एंगल है एक्स वो किसके बराबर होगा, अंदर वाले दो अपोजिट एंगल्स के बराबर, किसके बराबर, ए प्लस बी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑन वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो एक्स क्या आ गया, ए प्लस बी के बराबर। मान लो ऐसे ही मैं कहता हूं, मान लो इस तरफ मैंने वाई बना लिया, तो ये जो वाई होगा ये वाई किसके बराबर होगा, ए और सी के बराबर, वाई विल बी इक्वल टू ए प्लस सी। ऐसे ही मान लीजिए हम कोई और एंगल बना लेते हैं बाहर की तरफ, मान लो ये जेड है, तो ये जेड क्या होगा, ये जेड होगा बी प्लस सी, इस वाली साइड के दो अपोजिट एंगल ये हैं, तो ये जेड क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, ठीक है। थ्योरम लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम स्टेट्स दैट दैट द एक्सटीरियर एंगल ड्रॉन ऑन वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये आ गई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ बहुत आसान है। ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और ये मान लीजिए एंगल एक्स है। तो एक्स प्लस सी कितना है, 180। ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 180। ये कैसे है, ये है लीनियर पेयर। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, मैं चाहे मैं सी के अंदर एक्स ऐड करूं तो भी 180 आएगा, चाहे मैं सी के अंदर ए प्लस बी ऐड करूं तो भी 180 आएगा। तो मैं क्लियरली कह सकता हूं एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये फंडा अच्छी तरह से क्लियर होगा आपको।